और अभी मेरे साथ में हैं हमारे नमन सर, जो कि हमारे कॉलेज के ओनर हैं। बच्चों को बहुत मोटिवेट करती है ये चीज़ें, किचन में काम करना है, हमें शेफ बनना है। कॉलेज बढ़िया चल रहा है, सही चल रही है क्लासेस, प्रैक्टिकल थ्योरी वगैरह सब बढ़िया चल रहा है। हॉस्टल भी बढ़िया है, सर हमारे सपोर्टिव है थोड़ा। किसी किसी कॉलेज में एक किचन भी नहीं होती। ये भी पहले एक कॉलेज में जिसमें मैंने एडमिशन लिया था ना, वहाँ पे सिर्फ दो चार ये बर्नर थे, देन उसके बाद में वहाँ पे कुछ। ये पुराने जमाने से निकला हुआ सिल्वर है, यानी कि चांदी के बर्तन यूज हुआ करते थे, जस्ट टू मेक आवर गेस्ट टू रियलाइज दैट हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat. Hello, good evening everyone. Welcome back to the vlog. फिर से एक नए सफर में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी टाइम के बाद में भाई अब मैं ग्रेटर नोएडा आया हूँ। जैसे कि काफ़ी बच्चों ने मुझसे कहा था कि सर अपने कॉलेज के बारे में बताइए जहाँ से आपने होटल मैनेजमेंट पास आउट किया है। तो भाई काफ़ी दूर से, लगा लो बुलंदशहर से 40-45 किलोमीटर सिर्फ और स्पेशली वीडियो बनाने के लिए आया हूँ, जिससे कि जो भी बच्चे इस बार होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं उनको कोई इन फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, कोई गलत कॉलेज चॉइस ना कर लें। फिर बाद में भाई रिग्रेट होता है ना कि यार मैंने ये वीडियो नहीं बनाई, तो इसलिए भाई दोबारा से आया हूँ मैं अपने कॉलेज में वीडियो बनाने के लिए। और अभी मेरे साथ में हैं हमारे नमन सर, जो कि हमारे कॉलेज के ओनर हैं, और सब कुछ हमें अभी सर डिटेल बताएंगे पूरे की पूरे कॉलेज की, क्या हमारे कॉलेज में फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या पढ़ाई होती है, सब चीज़ के बारे में। और सर काफ़ी अच्छे हैं सर, मतलब कि कोई भी दिक्कत नहीं होनी कि आपको अगर इस कॉलेज में आप आते हो तो। सर अपने बारे में कुछ बताइए। थैंक यू वेरी मच मोहित जी फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। थैंक यू सर। मोहित हैज़ बीन अ वंडरफुल स्टूडेंट, ही वाज विद अस लास्ट ईयर, डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन। बहुत अच्छा किया इन्होंने, अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, इंटरव्यूज कर रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, एंड वी वेरी हैप्पी यू बैक टू आर कॉलेज टू प्रेजेंट आर कॉलेज। सो वेलकम एवरीबडी, माय नेम इज नमन भाटिया, आई एम द डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस एट आरआईजी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। एज यू कैन सी आवर बिल्डिंग राइट हियर, वी हैव अ ब्यूटीफुल कैंपस स्प्रेड ओवर 3 acres, काफ़ी लश है, ग्रीनरी, प्लांट्स, ट्रीज। हम सस्टेनेबिलिटी में बहुत बिलीव करते हैं, एंड वी ऑल्सो मेक आवर स्टूडेंट्स प्लांट ट्रीज, और उनका नेम टैग हम वहाँ पे लगाते हैं ताकि दैट ऑलवेज स्टेज विद द कॉलेज। जी, सो वी टीच हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। हमारे बैचलर्स, डिप्लोमास एंड सर्टिफिकेट्स हैं, 3 साल की डिग्री कोर्स है, 1.5 years इन डिप्लोमा, स्पेशलाइज्ड इन आइदर फूड प्रोडक्शन, F&B सर्विस, हाउसकीपिंग और बेकरी एंड कन्फेक्शनरी। इट्स अ लवली कैंपस, लॉट ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज रेंजिंग फ्रॉम बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन एंड मैनी अदर इनडोर स्पोर्ट्स सच एज TT एक्सेट्रा। अ लवली TV रूम, वी हैव ऑल द मॉडर्न इक्विपमेंट, जितने भी हमारे क्लास रूम्स है वहाँ पे मॉडर्न बोर्ड्स हैं, ऑल द मॉडर्न इक्विपमेंट्स, दे आर ऑल वेंटिलेटेड बाई AC, एंड वी ऑल्सो हैव अ लवली हॉस्टल अपस्टेयर्स, 2 floors ऑफ हॉस्टल, 100 स्टूडेंट्स कैपेसिटी। वी हैव स्टूडेंट्स लिविंग इन अ ट्विन शेयरिंग बेड और अ सिंगल शेयरिंग बेड, AC, non-AC, एंड लवली इंफ्रास्ट्रक्चर। एज यू कैन सी द ग्रीनरी इन आर कैंपस, इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सनी डे, एंड हमारे हॉस्टल के जो मेनली स्टूडेंट्स हैं दे आर लिविंग हियर, यू नो 5:30 बजे जब उनका कॉलेज खत्म हो जाता है, दे कम डाउन, दे हैव द स्नैक्स, कोई यहाँ बास्केटबॉल खेल रहा है, समवन इज प्लेइंग फुटबॉल, एंड इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। द बेस्ट पार्ट इज जो हमारी फैकल्टी है जितनी भी इस कॉलेज में, दे आर ऑल इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, बहुत सालों का एक्सपीरियंस इन होटल्स एंड एजुकेशन दे हैव, एंड वो हमारे स्टूडेंट्स को मेंटर करते हैं, ट्रेन करते हैं, दे टीच आवर स्टूडेंट्स, एंड वी ऑल्सो हैव सम फैकल्टी हु लिव इन द हॉस्टल। तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको क्वेरीज होती है, यू नो दे हैव सम कंसर्न्स, दे हैव दे वांट टू स्टडी, हैव एक्स्ट्रा क्लासेस, सो आर टीचर्स आर वर्किंग डे एंड नाइट, इवन समटाइम्स टिल 10 o'clock, 11 o'clock, मेंटरिंग स्टूडेंट्स, गाइडिंग देम, टेलिंग देम अबाउट द कॉलेज। टॉकिंग अ बिट मोर आउटसाइड एकेडमिक्स, तो वी ऑल्सो फोकस ऑन अलॉट ऑन प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं दे ओनली वर्क इन 5 stars in India or abroad for internships and for placements. In fact, this year we have almost 25 plus students jo bahar internships or placements ke liye ja rahe hain, places such as Australia, US, Dubai, Malaysia, Mauritius, as well as Thailand, and many other options are also coming soon. So opportunities bahut hai bahar kaam karne ke liye, India mein kaam karne ke liye, and you know, as you can see, the best part about our location is that we are in Greater Noida in Knowledge Park. सो जैसा नाम है वैसा उसका काम है। नॉलेज पार्क हैज़ ऑलमोस्ट मोर देन 30 कॉलेजेस, दिस होल एरिया इज़ फुल ऑफ कॉलेजेस, हॉस्टल्स, स्मॉल रेस्टोरेंट्स, कैफेज़, सो ये पूरी तरह एक स्टूडेंट एरिया है। मेट्रो स्टेशन्स आर क्वाइट कन्वीनियंट, यहाँ पे ऑटोज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स आर वेरी इजीली कनेक्टेड। जो स्टूडेंट्स हमारे बहुत दूर से आते हैं, जो दिल्ली से आते हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव से आते हैं, वी हैव कैब फैसिलिटीज़ फॉर देम, बस फैसिलिटीज़, एंड द रेस्ट आर स्टेइंग हियर और दे आर कमिंग बाय देयर ओन ट्रांसपोर्टेशन। वी हैव अ ह्यूज पार्किंग एज वेल, और बिल्डिंग के बाहर भी पूरा जो बॉर्डर है वहाँ पे हमारी गार्ड्स और बाइक्स वगैरह पार्क होती हैं। बट सर आई थिंक यहाँ से जो मेट्रो स्टेशन है वो नॉलेज पार्क 2 कितनी दूर होगा यहाँ से, 1 किलोमीटर है बस, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स आई बिलीव। नॉलेज पार्क 2 में मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से स्टूडेंट यहाँ पे आ सकता है। वहाँ पे जरा फुल ऑफ ऑटोज, बहुत सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो ट्रैवलिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल।
accommodation is amazing. The food is great. Actually, we offer a balanced diet where we have exact amounts of protein, carbohydrates and fats. So students are healthy. They eat their greens, their vegetables, and we take care of their health as well. For the gym freak, for the fitness freaks like Mohit himself, for the athletic students, we also have a well-equipped gym with all the facilities, all the machines. Sir, काफी सारे जो बच्चे होते हैं उनका ये doubt होता है कि college कितना पुराना है, कि कैसे कब बना था, कितने batches अभी निकल गए हैं, तो उसके बारे में कोई details? So I'll share a little detail with you. We are 17 years, since 17 years we're in the industry. 17 साल हो गए हैं हमारे college को. काफी लंबा काफी time हो गया है. Mr. Bhatia, our CEO, established the college 17 years ago. And we are also a part of IHM, जो NCHMCT के अंडर आता है, which is a government body under Ministry of Tourism. And हमारे जो degree है 3 साल की, वो JNU provide करता है. And JNU, as you all know, is a big name India में internationally. So almost हमारे 3,000 students we have alumnized who have been placed all over the world. कुछ दुबई में काम कर रहे हैं, कुछ सिंगापुर में काम कर रहे हैं, कुछ UK चले गए हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गए हैं. And we also focus a lot on entrepreneurship. हमारे काफ़ी students को हम entrepreneurship सिखाते हैं ताकि वो अपने cafes खोल सके, restaurants खोल सके, अपने hotels में काम कर सके. एंड एवरी वन इज़ वेरी सक्सेसफुल. ये सर वैसे भी पूरे ग्रेटर, अगर दिल्ली NCR में देखें तो इससे बढ़िया, मतलब कि इतनी बढ़िया बिल्डिंग और इतना बढ़िया कॉलेज, मेरे को ही लगता है कि होटल मैनेजमेंट का कहीं और भी है. क्योंकि जिस टाइम पे मैं देख रहा था ना कॉलेज के लिए कि कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा, किस कॉलेज में जाना चाहिए, तो भाई मेरे को काफ़ी लोगों ने बताया कि इसमें जाओ, इसमें जाओ, ऐसे जाओ. फिर मेरे को एक सर थे सैफ विलियम डी, उन्होंने बताया था इस कॉलेज के बारे में. फिर मैं यहाँ पर आया, देखा तो भाई काफ़ी अच्छा था, क्योंकि हर एक कॉलेज के अंदर इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं है होटल मैनेजमेंट को लेकर. बट यहाँ पर अगर आप आके देखोगे ना तो भाई एक नंबर है, कोई भी किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम होने की नहीं है यहाँ पर. और टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, और जिस तरह से देखो सर हैं ये अपने यहाँ के ओनर हैं, और कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो आप डायरेक्ट इनसे आके मिल सकते हो. ये नहीं कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों की तरह आप कहीं पर भी जा रहे हो, धक्के खा रहे हो, आपकी कोई सुन ही नहीं रहा है. बस कितना क्लास से निकल के आना, सीधा सर के ऑफिस में जाना है, और सर से आके आप कह सकते हो कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, तो सब चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा. तो सर चलते हैं अंदर, एक बार कॉलेज टूर करते हैं. आई विल टेक यू इनसाइड. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. So finally अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ अपने शेफ सर से, जो काफ़ी टाइम के बाद में जिनसे मिलना हो रहा है, और काफ़ी टाइम के बाद में अब मैं किचन के अंदर आया हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 महीने तो मेरे को बाहर घूमते हुए हो गए. और हमारे भास्कर सर हैं, जो हमारे शेफ हैं, एकदम हैंडसम, एकदम बढ़िया. हेलो सर, कैसे हो आप? तो सर काफ़ी टाइम के बाद में मिलकर आपसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. तो अभी आए हैं सर आपकी किचन देखने के लिए, और कुछ बताइए सर को. जैसे मतलब काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे पूछा है कि आपने जहाँ से होटल मैनेजमेंट किया है उसके बारे में हमें बताइए, हम भी एडमिशन लेना चाहते हैं. तो स्पेशली मैं आज आया था कि वीडियो बना सकें, आपसे मिल सकें. ये हमारा बेसिक ट्रेनिंग किचन है, जिसमें जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, इन स्टूडेंट्स को हम यहाँ ट्रेनिंग कराते हैं, उनके प्रैक्टिकल्स करते हैं, जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो उनका कोर्स करिकुलम होता है, उस कोर्स करिकुलम के हिसाब से हम उसमें उनको प्रैक्टिकल्स कराते हैं, बेसिक्स जो है पहले साल में, फर्स्ट सेमेस्टर में. और ये सारा आप जैसे सेटअप ये पूरा देख रहे हैं, ये सारे यूटेंसिल्स हर टेबल पे अलग है. तो स्टूडेंट्स जो है उनको सबसे पहले यहाँ पे जो उनके फैकल्टी होती है, वो यहाँ पे बोर्ड पे पूरा मेन्यू लिखा जाता है. मेन्यू लिखने के बाद में उसको पूरा ब्रीफ किया जाता है. स्टूडेंट्स सारे सब अपने अपने स्टेशन पे आते हैं और वो ब्रीफिंग को सुनते हैं, कैसे क्या करना है, और अपनी फैकल्टी की गाइडेंस में यहाँ पे बच्चे जो है फूड प्रिपरेशन करते हैं. सर काफ़ी सारे जो बच्चे होते हैं उनके मन में ये डाउट होता है कि हमें शेफ बनना है, तो शेफ में क्या फ्यूचर्स होते हैं, जैसे आउट ऑफ इंडिया हम जॉब करने के लिए जा सकते हैं, या फिर अपने इंडिया में हमें कितनी सैलरी मिलेगी, ये इस तरह के जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं ना जो बच्चे 10th या 12th करके आते हैं, तो सर उनके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? देखिए इसमें ये बाहर जाने का जो है वो तो सबसे बड़ा चांस है ही है इस इंडस्ट्री में, और स्पेशली फूड प्रोडक्शन में जहाँ किचन का काम बच्चे सीखते हैं, उनका सबसे पहला जो कंसिडरेशन होता है वो यही है कि हम बाहर जाना चाहते हैं. पर उसके लिए यह है कि जितने आउटपुट जो इनपुट्स हैं वो अच्छे यहाँ कॉलेज से मिलते हैं, फिर उसके बाद में ये मतलब हम सजेस्ट यही करते हैं कि कम से कम इंडस्ट्री में थोड़ा सा समय ज़रूर लगाएं, जो प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में कैसे काम करते हैं उससे थोड़ा सा उनमें कॉन्फिडेंस लेवल आता है, एक उनकी अपनी वैल्यू बढ़ती है, फिर उनको बहुत इजीली कहीं पर भी प्लेसमेंट हो जाता है. और बच्चे स्पेशली जो इंडियन किचन में स्पेशलाइज करते हैं
उनका तो स्कोप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है इंडियन किचन में, क्योंकि बाहर इंडियन किचन के लोगों का ज़्यादा काम होता है इफ़ दे गो टू यूरोप या कहीं पर भी जाएंगे। और अगर कॉन्टिनेंटल का खाने का है तो कॉन्टिनेंटल का खाना तो वहाँ के लोग जो अपना है वो तो है ही है, बट नेवर द लेस वो भी वहाँ पर भी जाते हैं, पर यहाँ थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो और अच्छा हो जाता है उनके लिए। तो बेसिक यही है, और सबसे बड़ा चाम उनके लिए तो जो किचन में ऑप्ट करते हैं सबसे बड़ा चाम यही है कि बाहर जाने को उनको बड़े इजीली मिल जाता है। और वैसे तो सभी जगह है, इवन F&B सर्विस में भी स्टूडेंट्स हैं वो भी एक्सेल करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं और वो भी बाहर जाते हैं, बट यहाँ थोड़े टेक्निकल इनपुट्स ज़रा ज़्यादा होने की वजह से वो थोड़ा स्किल लेवल हाईली स्किल्ड हो जाता है तो उनको थोड़ा सा और ईजी हो जाता है। तो ये बच्चों को बहुत मोटिवेट करती हैं ये चीज़ें, किचन में काम करना है, हमें शेफ बनना है, तो ये एक सर नहीं वैसे मैंने देखा हुआ है जितने भी बच्चे होटल मैनेजमेंट करने के लिए आते हैं ना, हर किसी के मन में होता है मेरे को शेफ बनना है। उनको नहीं पता कि फ्रंट ऑफिस क्या है, कुछ भी है, उनको सिर्फ ये होता है कि होटल मैनेजमेंट शेफ। काफ़ी सारे मैंने बच्चे देखे और तो मेरे टाइम पे काफ़ी सारे, जैसे मैं पहले लेवेंट्री में ट्रेनिंग मैंने वहाँ से की थी, तो मेरे टाइम पे ही कम से कम कुछ तो 3 से 4 शेफ ऐसे थे जो आउट ऑफ इंडिया चले गए, कोई कैनेडा गए हैं, कोई क्रूज़ पे गए हैं। काफ़ी सारे शेफ्स हैं, अगर गौरव सर अगर आप देख रहे हो तो आप भी जैसे क्रूज़ पे गए हो, तो इस तरह से काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है जो बच्चे अगर होटल मैनेजमेंट करते तो बाहर जाने के लिए। बाकी अदर इतना किसी भी कोर्स में अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाली है जितना होटल मैनेजमेंट में मिलती है। और लाइक आपको इस तरह के शेफ़ मिलने वाले हैं जो आपको हर एक चीज़ के बारे में गाइड करेंगे काफ़ी अच्छे से, और ये आपकी किचन होने वाली है, ये आपका मैदान रहेगा, यहाँ पे अपना कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी इजीली खा सकते हैं। हम तो सर काफ़ी आप प्रैक्टिकल कराते थे तो प्रैक्टिकल कम देखते थे, हम खाते ज़्यादा थे। देखिए सब चीज़ों का चाम अलग अलग होता है। जी, ये खाने का जो चाम होता है इनिशियली शुरुआत में ज़रा ज़्यादा होता है क्योंकि बच्चा जो होता है एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आता है। जी, जी। और वो पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आता है उसको खाने का बड़ा चाव है, नई नई चीज़ें खाना है, ये सब मिलना, पर ये धीरे धीरे ना सारी चीज़ें बहुत सबसाइड होती जाती है। हाँ, क्योंकि जब डेली का काम हो जाता है, फिर जब इंडस्ट्री में काम करता है तो डेली वही सब चीज़ें देखना और चारों तरफ खाना ही खाना जब देखता है तो उसमें तो उसका एक ऑटोमेटिकली जो रुझाव होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, कम होता जाता है। हम लोग भी गए थे ना जब ट्रेनिंग करने के लिए तो पहले शाही पनीर, कढ़ाई पनीर ये सब कुछ खाते थे जितने भी थे, दीक्षा थी, दृष्टि थी, आनंद, जितने भी हम सारे क्लास के स्टूडेंट थे, लेकिन बाद में ऐसा उन्हें लगा था यार इसको क्या खाएंगे, बिल्कुल नहीं करता था, फिर स्टार्टिंग में लगता था हम लोग, लेकिन बहुत मजा आया था हम लोगों को आईटी ट्रेनिंग में। और यहाँ पे भी काफी ज्यादा हमारा टाइम बीता था, इधर हम ट्रेनिंग करते थे, यहाँ पे खड़े होकर आप हमें बताया करते थे, तो सर काफी ज्यादा अच्छा था। तो सर आपने बताया इसके बारे में काफी ज्यादा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. So, अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ अपने रवि कुमार सर FC से, जो हमारे ये सर हैं। हेलो सर, कैसे हो आप? हेलो। तो सर जो हमारे हैं ये इनकी सर की अपनी स्पेशल किचन है जिसमें एडवांस ट्रेनिंग किचन होती है। जो अभी पहले मैंने आपको दिखाई थी वो बेसिक थी, जो अभी सर आपको बताएंगे कि बेसिक और एडवांस में क्या डिफरेंस होता है, किस किस तरह के बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, तो सर कुछ बताइए सर वो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस। डिफरेंस बेसिकली डिफरेंस क्या है, बेसिक ही ट्रेनिंग किचन में क्या होता है, बच्चे जो आते हैं फर्स्ट इंट्रैक्शन का उस किचन से होता है जहाँ पे वो सिर्फ बेसिक जितने भी टेक्निकल टर्म्स होते हैं वो सीखते हैं, बेसिक जैसे कि हम बर्नर कैसे ऑन करना है, कैसे बॉइलिंग करनी है, बट दिस किचन इज़ बेसिकली एडवांस। तो आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर और 2nd ईयर स्टूडेंट्स कम्स हेयर इन 3rd ईयर, सो दिस इज एडवांस किचन। हेयर यू कैन सी ऑल एडवांस इक्विपमेंट्स हेयर, सी लाइक तंदूर है यहाँ पे, और टोटली एडवांस क्यूजिन को हम प्रमोट करते हैं। एंड स्टूडेंट्स जो यहाँ पे पढ़ते हैं वो 3rd ईयर्स में होते हैं, उनको 1st ईयर 2nd ईयर क्रॉस कर चुके होते हैं, अब उनको इंटरनेशनल क्यूजिन की तरफ हम उनको लुक लेके जाते हैं, जो कि बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं इंटरनेशनल क्यूजिन में, वो इस किचन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसमें ज़्यादा काम करते हैं, अच्छे से सीखते हैं और अपना जो करियर है इसमें सर लाइक जैसे सब बच्चों का एक काफ़ी वो होता है कि कॉन्टिनेंटल में मैं जाना है, जिसको भी आप देखेंगे जो IHM करने के लिए आता है उसका ये होता है कि मेरे को कॉन्टिनेंटल जाना है, कॉन्टिनेंटल में जाना है, तो कॉन्टिनेंटल के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें कि क्या अलग है कॉन्टिनेंटल फूड में। जैसे काफ़ी बच्चे हैं वो मुझसे हमेशा ये पूछते हैं कि कॉन्टिनेंटल बेस्ट रहेगा या फिर इंडियन बेस्ट रहेगा, काफ़ी सारे बच्चों के मन में डाउट होते हैं जैसे हमारे मन में भी थे, तो आप कुछ अगर कॉन्टिनेंटल में क्या डिफरेंस, जैसे मैंने कि पहले बताया जैसे कि फर्स्ट ईयर में बच्चा जो सीखता है बेसिक सारी बेसिक चीज़ें सीखता है, सिर्फ जैसे कि सॉस सीखता है,
अब अगर हम एडवांस किचन की बात करें जिसका इंटरेस्ट इंटरनेशनल क्विजिन में, तो सॉस के बाद उसको उस सॉस को हम मेन ग्रेवी में कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि चिकन के साथ कौन सी हम सॉस देंगे, हाँ। या फिर जो बेसिकली इंटरनेशनल जो फॉरनर्स हैं कौन सी क्विजिन को प्रेफर करते हैं, क्या क्या खाते हैं, तो जैसे कि चिकन, जैसे चिकन शशायर है, चिकन शशायर की जो सॉस है जो फर्स्ट ईयर में बच्चे सीखते हैं, बट उसका जो मेन यूज़ है वो इंटरनेशनल क्विजिन में इस थर्ड ईयर किचन में सीखते हैं, जैसे कि उस सॉस का हमने चिकन के साथ अगर उसको क्लब करके या फिर उसको अकम्पनीमेंट एज अकम्पनीमेंट और क्या दे सकते हैं, ये सब सीखते हैं। ये तो ऐसा, जब मैं भी आया था ना स्टार्टिंग में, तो मैं भी ये सोचता था कि इंडियन में जाऊँगा या फिर कॉन्टी में जाऊँगा, बट जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की, जब मैं आईटी ट्रेनिंग करने के लिए गया था ना, तो काफ़ी सारे जो माइंड के डाउट थे वो सब कुछ क्लियर हो गए थे। फिर मेरे को कॉन्टिनेंटल अच्छा लगा, कुछ मेरे फ्रेंड ऐसे थे जिनको इंडियन सेक्शन ज़्यादा अच्छा लगा था, काफ़ी मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनको तंदूर में काफ़ी अच्छा लगा, बट थोड़ा सा तंदूर में मेरे को डर भी लगता था क्योंकि हाथ वात उसमें लग जाता था, बट ये कि जैसे प्रैक्टिस हम करते रहते हैं ना तो काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस हो जाती है, एक मिनट में 30-40 रोटियाँ निकाल देना तो काफ़ी एक अलग ही होता है। और जो एक शेफ की रिस्पेक्ट होती है ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल होती है। आप किसी भी होटल में जाओगे, बड़ी जो 5-स्टार होटल होते हैं ना, पे हर कोई रिस्पेक्ट देके ही बात करता है। अब मैं मॉर्निंग में कोई भी बुफे में आएगा तो हेलो शेफ, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, ऐसे करके, मतलब कि काफी अलग लगता है कि ऐसे बच्चे सोचते हैं ना। अब बच्चे क्या, और भी काफी सारे लोग होते हैं जो बच्चों को बोलते हैं कि यार क्या शेफ बनोगे, क्या ये करोगे, खाना बनाओगे ये, बट ऐसा कुछ नहीं। अगर आप फील्ड में आओगे ना, जब आपको रियलाइज होगा कि एक शेफ की कितनी इंपॉर्टेंस है और उसको कितनी रिस्पेक्ट मिलती है। सही कह रहा हूं ना शेफ? बिल्कुल बिल्कुल। और देखो इस तरह से यूनिफॉर्म मिलेगी एकदम ब्लैक कमांडो की तरह, तो अलग ही लगते हैं। और सर कुछ बताना चाहेंगे सर अपनी किचन के बारे में? और आई थिंक यहाँ पे पढ़ाई होती है? हाँ, ये दिस इज हमारा एक थ्योरी सेशन, अगर हमें कुछ लेना चाहते हैं तो वी कैन शो डेमो आल्सो, वी हैव दैट टेलीविजन देयर। आई थिंक ये हमारे टाइम पे नहीं था, उस टाइम पे काम चल रहा था क्योंकि कोरोना की वजह से बंद हो गया था। ये न्यू बिल्डअप एक सेटअप है जिसमें क्या करते हैं, जैसे थ्योरी पार्ट वी कंडक्ट है, ठीक है, थ्योरी का जो बिफोर स्टार्टिंग एनी क्यूजिन वी जस्ट एक्सप्लेन सम थ्योरेटिकल नॉलेज, हार्डली 30 या 40 मिनट, मतलब कि ये जो डिश जिसको हम बनाने जा रहे हैं ये कहाँ से बिलोंग करती है, जिसके अंदर नॉन वेज कौन सी है, वेज कौन सी है, और कौन सी बेसिकली कंट्री से बिलोंग करती है, वो हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। रिमेनिंग जो कुकिंग पार्ट होता है वी डू हेयर। हाँ, यहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हो अपना, यहाँ पे देख रहे हो काफ़ी सारे बर्नर्स हैं और इतनी बड़ी किचन होना, किसी किसी कॉलेज में एक किचन भी नहीं होती। ये भी पहले एक कॉलेज में जिसमें मैंने एडमिशन लिया था ना, वहाँ पे सिर्फ 2-4 ये बर्नर थे, देन उसके बाद में वहाँ पे कुछ नहीं था, बट यहाँ पे तो जो सामने बेसिक किचन है ये एडवांस किचन है, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इतने सारे इक्विपमेंट है, देन उसके बाद में वहाँ पे भी है। तो मेरे को तो लगता कोई बच्चा आएगा तो उसको, वेरी राइट, मैं भी जैसे कि बहुत सारे कॉलेज में अभी तक काम कर चुका हूँ, अराउंड 13-14 एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो मैं जितने भी कॉलेज में अभी तक काम कर चुका हूँ वो क्या करते हैं, बेसिकली एक टेबल पे 4-4 बच्चे काम करते हैं, बट यहाँ पे मैंने एक न्यू ट्रेंड देखा है इस कॉलेज का कि एक बच्चों को एक इंडिविजुअल टेबल दी जाती है, इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स दिया जाता है, जिससे कि उनका एक एक्सपीरियंस है, उनका कॉन्फिडेंस है, सेपरेटली बिल्डअप करता है। ये इस कॉलेज की बहुत अच्छी बात मेरे को लगती है। हाँ, ये तो है सर, हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल्स करते थे यहाँ पे खड़े होके, यहाँ पे भी आते थे हम कभी तंदूर, जैसे हमें सीखना होता तंदूर के लिए आते थे हम, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो सर थैंक यू आपने बताया, और कुछ अगर आप शेयर करना चाहते हैं बच्चों के साथ में कि क्यों आपको होटल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हो आप होटल इंडस्ट्री में? ऑफ कोर्स दोज रियली वांट टू लर्न, दे कैन चूज दिस इंस्टीट्यूट, नेम इज रिग इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। सो वी हैव अपार्ट फ्रॉम मी, मेरे साथ बहुत सारे और भी टीचिंग स्टाफ है जो कि बहुत एक्सपीरियंस स्टाफ है, जो कि कहीं ना कहीं बच्चों को एक्सपीरियंस ही एक बहुत अच्छी ऊँचाई पर पहुँचाता है। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कुछ अच्छा सीखने के लिए। थैंक यू सर, मैंने आपका भी टाइम लिया इतना, और वैसे भी मेरे को व्लॉगिंग करने की आदत है, अभी तो कंटिन्यूसली मैं 1 साल से व्लॉगिंग कर रहा हूँ, बट सर को नहीं है तो थोड़ा बहुत तो बमलिंग हो जाती है, बट सर कोई नहीं, सर आपने काफ़ी अच्छे से बच्चों को इंट्रोड्यूस किया, अपने बारे में बताया और पूरा किचन के बारे में बताया। आई होप जो बच्चे अब नए आएंगे वो आपसे पढ़ने का मौका मिलेगा। बिल्कुल तो सर थैंक यू सर, ठीक है सर।
you know I'm addicted to you and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo got me so finally abhi main aapko dikhata hu apne college ka sabse ekdam best restaurant dikhane wala hu jisme kafi sara time humne yahan pe spend kiya hai kafi sari humne yahan pe cocktails bante hue dekhi hai aur abhi hamare sath hai hamare dheeraj sir to sir have a nice to meet you okay welcome back and all aur aap apni purani yaadein sari taaza kar rahe honge ji ji sir kafi sari memories thi hum log yahan pe baitha karte the ya practical hote the यहाँ पे भी काफ़ी सारे मॉकटेल वगैरह कॉकटेल बनाने सिखाए गए थे हमें तो काफ़ी हमने इन्जॉय किया था उस टाइम पे तो ऐसे सब दोस्त लोग यहाँ पे बैठे रहते थे तो काफ़ी सारी मेमोरीज थी हमारी बट सर आपसे मिलने का मौका मिला इतने आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद में तो सर अगर कुछ मतलब कि मैं अभी जो बेसिकली वीडियो बना रहा हूँ वही मैं बच्चों को ही दिखाना चाहता हूँ कि होटल मैनेजमेंट क्या है उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं उनके बारे में बता क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे मुझसे पूछते भी हैं कि सर होटल मैनेजमेंट करें तो कहाँ से करें कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा हमारे लिए तो इस तरह के सर डाउट तो इसलिए मैंने सोचा सर आज सबसे मतलब कि बात करते हैं और सर आप अपना एक्सपीरियंस बताइए इसके बारे में आर मोस्ट वेलकम एंड ये है फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट और यहाँ पर हमारा एक मेजर कोर जो सब्जेक्ट होता है फूड एंड बेवरेज सर्विस यहाँ पर बच्चों को उसके बारे में पढ़ाते हैं हम कि जितना भी खाना जो किचन में हम बनाते हैं वो एक्चुअल में जब खाना बन जाता है तो आके कहाँ सेल होता है वो रेस्टोरेंट में सेल होता है जी तो फूड भी और बेवरेज भी उसकी एक्चुअल में जो सेल होती है वो कहाँ होती है रेस्टोरेंट में होती है यहाँ पर ही गेस्ट आते हैं यहाँ बिठाते हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ बार भी है और एक डमी बार है डमी बार पे भी देन अगेन जो टॉप ब्रांड्स हैं नेशनल इंटरनेशनल सब यहाँ पर डिस्प्ले पे हैं बच्चों को सिखाया जाता है ये कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड्स हैं जो होटल्स में इनके यहाँ पर बिकते हैं लोग इनको पहचानते हैं और उनकी सेल वगैरह होती है तो इनके बारे में बताया जाता है हम शुरू से लेकर एंड तक द इंटायर अपना जो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोसीजर है वो सारा समझाते हैं बच्चों को कैसे गेस्ट को वेलकम करना है कैसे अंदर लेके आना है कैसे बिठाना है फिर हम यहाँ टेबल के ऊपर कवर लेआउट कैसे करना है कि हमारी क्रॉकरी कटलरी किस तरीके से लिखाई जहाँ पर सजाई जाती है ताकि हमारे जो डोमेस्टिक जो टूरिस्ट है या कस्टमर है या गेस्ट है हमारा वो प्लस इंटरनेशनल गेस्ट भी दे फाइंड इट वेरी कंफर्टेबल कि उनको आराम से बैठ कर हम खाना खिला सकते हैं यहाँ पर मेन्यूज़ भी शेफ़ के द्वारा पहले से ही सारे डिसाइड कर लिए जाते हैं अच्छे से कि किस टाइप के हमारा क्लाइंटेल कैसा होगा कैसे गेस्ट आने वाले हैं वैसे ही मेन्यू बना लिए जाते हैं और उसके बाद जो बच्चे आते हैं हम उनको ट्रेन करते हैं खाना बनाने के लिए उनके किचन में प्रैक्टिकल्स होते हैं और खाना कैसे सर्व करना है किस तरीके से सर्व करना है और क्या क्या रूल्स हैं वो सारे हम यहाँ पर सिखाते हैं जैसे कि सिल्वर सर्विस रूल होता है जी सर वो सिल्वर सर्विस हमने रखी होती है VVIPs के लिए और ये पुराने ज़माने से निकला हुआ सिल्वर है यानी कि चांदी के बर्तन यूज हुआ करते थे जस्ट टू मेक आवर गेस्ट टू रियलाइज दैट हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी तो वो उसके भी रूल्स हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से सर्व करना है क्या प्रोटोकॉल्स होंगे तो वो सारे भी हम चेक करते हैं उसको बच्चों को डिटेल में समझाते हैं वो शॉर्ट टाइम में ही इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं बच्चे कि वो जाके होटल में आराम से अपनी जॉब कर सकते हैं और दे डूइंग बहुत अच्छा कर रहे हैं इंडिया के अंदर भी होटल्स में अच्छा कर रहे हैं और काफ़ी सारे बच्चे बाहर अब्रॉड भी गए हैं और वहाँ पर भी बड़ा अच्छा सक्सेसफुल करियर उन्होंने बनाया उन्होंने तो सर जैसे काफ़ी सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि अपने लिए सर्विस बेस्ट क्यों है जैसे अपने होटल मैनेजमेंट में चार डिपार्टमेंट होते हैं एक होता है फ्रंट ऑफिस होता है सर्विस होता है हाउसकीपिंग होता है शेफ़ होता है तो बच्चे सर्विस जो सर्विस में आना चाहते हैं बेसिकली जैसे काफ़ी बच्चे डिप्लोमा भी करना चाहते हैं तो उनके लिए सर्विस बेस्ट क्यों है और आउट ऑफ इंडिया सबके माइंड में होता है कि मेरे को आउट ऑफ इंडिया जाना है तो उसके बारे में कुछ अगर आप अब जहाँ तक ये बात है आउट ऑफ इंडिया मैंने भी आउट ऑफ इंडिया काफ़ी टाइम निकाला 9-10 साल मैं भी बाहर था और डेफिनेटली सर्विस की तरफ मेरी भी लाइकिंग थी ये एक ऐसी जगह है यहाँ पर हमें जो हमारे गेस्ट आ रखे हैं उनके साथ इंटरेक्शन बातचीत करने का काफ़ी अच्छा मौका मिलता है अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनते हैं भी सोशलाइज करते हैं जी और काफ़ी कुछ बातचीत में ही उनसे भी सीखने को मिलता है बड़े अच्छे अच्छे बैकग्राउंड के अच्छी सोसाइटी के एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ वो देखोगे आप रेस्टोरेंट में बैठे मिलेंगे वहाँ पर तो ये तो मैं कहता हूँ कि बहुत जो लोग सोशलाइज़ करना पसंद करते हैं जो लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं उनके लिए F&B सर्विस तो बहुत अच्छा है जी और फिर इस तरह के रेस्टोरेंट में सर्विस करने का मौका मिलता है और देखने का मौका मिलता है मतलब कि हर कोई नहीं देख सकता सपोज़ करो कोई बीटेक करता है या फिर एमबीए कुछ भी करता है तो वो इतनी लग्जरी लाइफ नहीं जी पाता जो एक होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट जी पाते हैं और भाई इतना सब कुछ देखने का मौका हमें अपनी कसम लाइफ में सिर्फ RIG ने दिया हमारी जो ट्रेनिंग हुई थी वो जैसे पहले रेडिसन से हुई उसके बाद में लेमन ट्री से हुई उसके बाद में फिर मैं गोवा में फिर गया वो बात लगे कि मैंने थोड़ा भी ब्रेक ले हुआ है जॉब से अभी इसके बाद में करेंगे अभी थोड़ा ब्लॉगिंग का बहुत मेरे को सवार है तो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ सर मैं अभी और देखो सर ये अपना है यहाँ पर देख सकते हो सर ये कैसे इसके बारे में कुछ बताएंगे आप ये आई थिंक ये शेफिंग डिश है जी जी ये शेफिंग डिश में हम क्या करते हैं जब भी खाना
जो गेस्ट को खाना होता है तो हम क्या करते हैं कि खाने को यहाँ पर इसके अंदर गर्म रखते हैं। जी जी, ये हमारे वो इक्विपमेंट्स हैं जो खाने को गर्म रखते हैं, जब तक खाना खा ही नहीं लिया जाता। जी जी, क्योंकि खाना अगर ठंडा होगा तो आपको पता ही है कि विद इन 3 or 4 hours वो खाना खराब हो जाता है। तो रेस्टोरों में खाने को यहाँ पर डिस्प्ले पर रखते हैं, हम सजा के रखते हैं और खाने को गर्म रखते हैं, उसके लिए शेफ एंड डिशेज होती हैं। तो ये बूफे का हिस्सा भी है, यहाँ बूफे भी लगता है जी, बच्चों को सिखाते हैं बूफे का सेटअप कैसे करना है मेन्यू का। और टेबल सर्विस करनी है तो टेबल्स हमारे पास यहाँ पर 9 tables हैं विद 36 covers, और 9 tables को 36 covers के ऊपर 36 guests को बिठा के कैसे प्रॉपर तरीके से खाना खिलाना है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक ये सारा हमको ट्रेन किया जाता है यहाँ पर। सो भाई आप देख सकते हो किस इतना बढ़िया यहाँ पर रेस्टोरेंट है कॉलेज में, आपको हर किसी कॉलेज में ये सब कुछ नहीं मिलेगा। स्पेशली ये देखो यहाँ पे किचन भी दो दो तीन तीन किचन है, बेकरी अलग है और आपका बेसिक किचन अलग है, उसके बाद में एडवांस अलग है, देन उसके बाद में यहाँ पे आपका सर्विस के लिए यहाँ पे बार हो गया, तो आप यहाँ पे काफी कुछ सीख सकते हो। और सर आपका थैंक यू, आपने मेरे को इतना सारा बताया और टाइम दिया आपने सर, और दोबारा जरूर मिली मेरे से। नहीं सर बिल्कुल बिल्कुल, तो देख सकते हो आप अभी यहाँ पे अगर आप आओगे पढ़ने के लिए तो सर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा और सर आपको गाइड करेंगे हर एक चीज के बारे में, और कुछ इस तरह से है आप देख सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। Never really noticed what you want. With you, I don't know. So, भाई काफी ढूंढने के बाद में अभी हमें हमारे वार्डन सर मिल गए हैं, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वार्डन सर हमारे हैं। तो सर आपको काफी टाइम से मैं ढूंढ रहा था नीचे, बट आप जाके मिले हो अपने हॉस्टल में। सर ये माइक है, ये आप पहले इसको पकड़ लो ऐसे करके, इसमें इंटरव्यू देना है आपको। मतलब आज मैं काफ़ी टाइम के बाद में कॉलेज आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि पूरा बच्चों को पता चल सके हमारे कॉलेज के बारे में, हमारा कॉलेज कैसा है, और दूसरा कि जैसे हमारे यहाँ पर रूम्स वगैरह क्या है, एसी रूम है नॉन एसी है, यहाँ के मैं बच्चों से मिला सकूँ। क्योंकि काफ़ी सारे जो बच्चे हैं ना वो मुझसे बार बार ये पूछते हैं कि भाई हमें अपने कॉलेज के बारे में दिखाओ, कॉलेज के बारे में दिखाओ। तो भाई ये हमारे सर हैं, वार्डन सर हैं, और काफ़ी ज़्यादा एक नंबर नेचर है सर का, और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी हैं। तो सर कुछ बताओ अपने बारे में। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद अकबर भाईवान है और मैं यहाँ का वार्डन हूँ RIG इंस्टीट्यूट का। जो कि RIG इंस्टीट्यूट हमारा ऐसा है कि यहाँ प्लेसमेंट 100% मिलती है यहाँ पे लोगों को, और यहाँ पे फ्यूचर ब्राइट होता है बच्चों का, सारे बच्चे हैप्पी होते हैं, हॉस्टल में इंजॉय करते हैं। और सर मैं समझ सकता हूँ सर, भाई मेरे को आदत है ना ब्लॉगिंग करने की और सबको नहीं है, बट आज मैं सबको लपेट रहा हूँ एक एक करके भाई कि सर आप भी आओ, आप भी आओ, क्योंकि जब तक मैं सर से इंट्रोड्यूस नहीं कराऊंगा आप लोगों को तो कैसे पता चलेगा कि कॉलेज क्या है कैसा है। नहीं सर, और ये कुछ देखो इस तरह से खेलने के लिए यहाँ पे है टेबल टेनिस, आई थिंक टेबल टेनिस है। नहीं टेबल टेनिस शाम को बच्चे खेलते हैं, सारा सेटअप हो जाता है यहाँ। अच्छा अच्छा, कैरम है यहाँ पे, स्पोर्ट्स पूरा, क्रिकेट, बैडमिंटन, जी जी, आउटडोर, इंडोर, बास्केटबॉल, और जिम भी है यहाँ पे हॉस्टल्स के लिए, सारे बच्चे हॉस्टल वाले बच्चे जाके जिम भी करते हैं और अच्छे से इंजॉय करते हैं, स्पोर्ट्स में भी इंजॉय करते हैं। तो सर अभी बच्चों से मिला सकते हैं कोई अगर बच्चे? हाँ आइए हम आपको मिला देते हैं, हमारे जो बच्चे हैं। ओके, ऐसा है ना, बच्चों से भी अगर मैं आपको मिला दूंगा, इंट्रोड्यूस करा दूंगा, तो आप लोगों का मन का डाउट क्लियर हो जाएंगे। बिजी है हमारे बच्चे पढ़ने में, तो भाई लोग बैठे हुए यहाँ पे। और हेलो, क्या नाम है आपका? प्रियांशु जोशी। कहाँ से? माइक ले लो, इसमें इंटरव्यू चल रहा है आपका। उत्तराखंड से। उत्तराखंड से हो? उत्तराखंड भाई मैं घूम के आया। किस जगह से उत्तराखंड में? उत्तराखंड पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ से हो? यार मैं अभी पूरा उत्तराखंड घूम के आया था, पूरे चार धाम की यात्रा की मैंने। अच्छा, ऑलमोस्ट मेरे को 2 महीने हो गए, केदारनाथ बद्रीनाथ पूरे में मैं घूमा था, अल्मोड़ा गया था मैं। तो कैसा है अभी कॉलेज में आपका, यहाँ कैसा है कॉलेज? बढ़िया चल रहा है भैया, सही चल रही है क्लासेस, प्रैक्टिकल थ्योरी वगैरह सब बढ़िया चल रहा है, हॉस्टल भी बढ़िया है, सर हमारे सपोर्टिव है थोड़ा हमारे लिए। तो अभी RIG के बारे में अभी किसने बताया था आपको यहाँ के बारे में RIG में, जब आपने एडमिशन लिया? आई थिंक आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड? हाँ, फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में हो? तो RIG के बारे में मैंने ऐसे गूगल वगैरह कराते, तो अच्छे रिव्यूज थे इस कॉलेज के। अच्छा अच्छा, तो मैंने एक बार सोचा कि इसमें विजिट करते हैं, तो हमारी फैकल्टीज वगैरह, हमारे वार्डन सर, हॉस्टल फैसिलिटीज वगैरह सब बढ़िया है, काफ़ी सपोर्टिव है हमारी फैकल्टीज। तो अभी आपको कोई दिक्कत तो नहीं है कॉलेज में? कोई दिक्कत नहीं, ना कॉलेज में दिक्कत है ना कोई हॉस्टल में दिक्कत है। और बच्चों को रिकमेंड करना चाहोगे कोई अगर आना चाहता है? कोई अगर होटल मैनेजमेंट, अगर किसी को इंटरेस्ट है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, कोई आना चाहता है तो RIG में ज़रूर आए। और हॉस्टल फैसिलिटी सबसे बढ़िया है, बाहर रूम लेके कोई फ़ायदा नहीं है, और कॉलेज के ऊपर ही हॉस्टल है, वार्डन सर हमारे बिल्कुल बढ़िया सपोर्टिव है, कभी भी कोई भी दिक्कत सर के पास हम कभी भी चले जाते हैं। एक तो कॉलेज में अपना ये फायदा होता है ना कि अगर आप हॉस्टल कॉलेज में लेते हो तो आप बिल्कुल सेफ रहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाहर का जो एरिया होता है ना उससे आप बच जाते हो, और सर हैं आपके यहाँ पे हेल्प करने के लिए, और काफ़ी सारे आपके दोस्त ऐसे मिल जाते हैं। और वैसे ही भाई उत्तराखंड के बारे में कहते हैं, उत्तराखंड में ज़्यादातर फौजी बनते हैं या फिर शेफ बनते हैं, तो भाई यहाँ पे शेफ बनने के लिए आए। दूसरे भाई ये बैठे हो, माइक दोगे एक मिनट?
तो ये हमारे भाई हैं, इनका भी इंटरव्यू लिया जाए। आप कहाँ से हो भाई? दिल्ली से। आप दिल्ली से हो, तो आपको कैसा लग रहा है यार आईजी कॉलेज में आके? बहुत बेटर लग रहा है। अच्छा अच्छा, तो फिर किसने बताया था आपको यहाँ के बारे में? हमने गूगल पे सर्च किया था, तो यहाँ पे रिव्यू किसी दिए। अच्छा अच्छा, कॉलेज गूगल पे देखा था आपने इसके बारे में। तो अभी तक कैसा एक्सपीरियंस है आपका यहाँ पे? बहुत बेटर है, यहाँ पे सारी फैकल्टीज अच्छी है, सारी फैसिलिटीज अच्छी है, हमारे वार्डन सर बहुत अच्छे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं कोई है दिक्कत नहीं, कोई जो बच्चे आना चाहते हैं उनको कोई मैसेज? हाँ, यहाँ पे किसी को भी अगर इंटरेस्ट ऑर्डर में तो आज आ रहे हैं, ये से कर दीजिए। अच्छा अच्छा, ही बहुत बेस्ट है। तो भाई अभी कुछ पढ़ भी रहे हैं आई थिंक, कुछ अपना मेरे को लगता है प्रैक्टिकल वगैरह, माइक्रोवेव वगैरह, सूप वगैरह। सही है भाई, पढ़ते रहो। एग्जाम में अभी चल रहे हैं आपके? 15 तारीख से प्रैक्टिकल है मंडे से। अच्छा अच्छा, इसीलिए बच्चे भी कॉलेज में कम भी हैं। यस सर। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं भाई, थैंक यू भाई। तो और कुछ भाई लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये भाई लोग पबजी चल रहा है क्या आप लोगों का? भाई कोई कोई अपना इंटरव्यू देना चाहता है, कुछ बताना चाहता है अपने कॉलेज के बारे में तो बता सकता है, शेयर करना चाहते हो तो लाइक, मतलब कि हम ये जो वीडियो बना रहे हैं उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जो बच्चे यहाँ पे आना चाहते हैं, जैसे भी किसी ने 12th पास की है, 10th पास की है, तो उनके बारे में अगर आप कुछ राय देना चाहते हो, कुछ अपना सजेशन देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। मेरा नाम मोहम्मद साजिब एहसान हुआ और मैं यहाँ फर्स्ट ईयर बैच में हूँ अभी, और मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस कॉलेज में, और ख़ासकर हॉस्टल में भी मैं अभी हूँ तो हॉस्टल का भी काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है, और अच्छा स्किल बेस्ड नॉलेज ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। वेल ट्रेंड टीचर्ड है, वेल इक्विप्ड, एवरीथिंग इज वेल इक्विप्ड हियर। बाहर आप कहाँ से हो? मतलब कि मैं छपरा बिहार से हूँ। बिहार से हो, तो किसने बताया था आपको कॉलेज के बारे में? मैं खुद बेस्ट सर्च करते करते यहाँ पे आया। बेस्ट सर्च करते करते, चलो बढ़िया है। तो अभी तक आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा जो आप वैसा भी शेयर करना चाहते हो कि आपके साथ में कुछ गलत हुआ हो तो वो भी? मेरा ऐसा कोई अभी कोई सब कुछ अभी तक बढ़िया हुआ, मेरे लिए सब बेस्ट था यहाँ पे। चलो भाई बढ़िया, ये भाई लोग भी हैं। आप कहाँ से हो? मेरा नाम जेम पीरबख्श, मैं इलाहाबाद यूपी से। इलाहाबाद यूपी से हो यार, यूपी वाले भाई हो। तो बताओ फिर किसने बताया आपको कॉलेज के बारे में और कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस, कैसा रहा आपका? हमारा तो एक साल का एक्सपीरियंस है, अच्छा ही रहा सारा। कॉलेज भी अच्छा है, पढ़ाई भी सही होती है, हॉस्टल में भी सब सही है, हमारे वार्डन सर अकबर सर भी सही हैं। सर की तारीफ भर कोई कर रहा है, क्या बात है सर है? हमारे टाइम पे भी करते थे और ये भी कर रहे हैं। सर तो डायमंड है हमारे, है? सर, हमारे सर तो एकदम अच्छे हैं। सर क्या बात है, कोई चुरा ना ले, कोई चुरा ना ले सर आपको। कोई चीज की भी दिक्कत नहीं होती हमें, कुछ भी चाहिए रहता है अकबर सर हमारे जो है सपोर्ट करते हैं हर चीज, कुछ भी चीज होता है। और ये भाई हमारे कहाँ से हैं? भाई मेरा नाम ऋषभ गुप्ता, मैं बुलंदशहर से हूँ। क्या बुलंदशहर से हो? जी क्या बुलंदशहर से मैं हूँ भाई। कहाँ पे बुलंदशहर में? शुगर मिल के पास। शुगर मिल के पास, मैं आवाज का स्पष्ट हूँ भाई। अभी चलना हो तो बुलंदशहर चलते हैं वापस। प्रैक्टिकल्स आ रहे हैं ना भाई, ये देख लो भाई अपना बुलंदशहर का मिल गया है हमें। ये भाई शुगर मिल के पास से है, कौन घर के आसपास में कौन रहता है, कोई है? एजेंसी है, गैस एजेंसी है। अच्छा, गैस एजेंसी के पास में रहते हो, तो बढ़िया है भाई। मैं उधर आता था, मेरे दो क्या नाम है उस जगह का, नाम तो कुछ और है, चांदपुर। चांदपुर, चांदपुर, तो भाई देख लो यार, शहर से नैनीताल सब अपना है। अब तो भाई आजाद हो तुम पंछियों की तरह। तो बताओ भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा बुलंदशहर से? एक्सपीरियंस रहा और जैसे सुना था वैसा ही हुआ। तो आपको किसने बताया था यहाँ के बारे में? बताया नहीं भाई, ढूंढते ढूंढते आए थे ना, सर्च करते करते कि हाँ और भी कॉलेजेस में गया था, पर ये अच्छा लगा मेरे को। चलो बढ़िया है। तो अब कोई जो बच्चे आना चाहते हैं उनको कुछ रिकमेंड करना चाहते हो, कैसा लगा आपको कॉलेज? बहुत बढ़िया कॉलेज है, खाना वगैरह हो गया, एक्टिविटीज भी बहुत होती है हॉस्टल में, जैसे जो रहते हैं जैसे हम लोग रहते हैं हॉस्टल, हॉस्टल भी बढ़िया जी जी सब चीज। वार्डन सर भी हमारे बहुत सर, फिर से तारीफ हो रही है। चलो भाई बढ़िया है, तो आप लोगों से काफी मिलके अच्छा लगा, तो चलते हैं भाई लोग हैं, ठीक है? और बुलंदशहर फिर दोबारा आओ तो मिलके जरूर जाना, ठीक है भाई? ओके भाई, और मिलेंगे। अभी चल रहा हूँ तो अभी चलो बुलंदशहर है। चलो भाई, सर ये भाई अपना बुलंदशहर से ही है जहाँ मैं रहता हूँ ना भाई, वहीं से ही है। थोड़ा इसको घी मक्खन थोड़े और फालतू खिलाया करो, वैसे इनकी मुस्कुराहट बता रही है काफी अच्छा है। नहीं हम लोग भी बहुत खाते थे भाई, सर हमारे साथ क्रिकेट भी खेलते हैं। भाई बच्चों के साथ बच्चों तो बनना है। ये तो है। नहीं हम लोग भी जब थे ना वहाँ पे नीचे, जब हमारी क्लासेस वगैरह होती थी, प्रैक्टिकल होते थे, हम भी बहुत मक्खन पे लगाते थे। चलो भाई ठीक है भाई लोग, मिलके आपसे अच्छा लगा, बेस्ट ऑफ लक। जस्ट व्हाट यू वांट विद यू आई डोंट नेवर फील कॉम आई कैन फील द स्वेट इनसाइड माय पॉम्स प्ले विद मी लाइक कैट्स एंड अ स्ट्रिंग यू डोंट अंडरस्टैंड द पेन ऑफ ब्रेन। सो भी मैं आपको दिखाता हूँ स्टूडेंट मेस जहाँ पे बच्चों का खाना बनता है, कुछ इस तरह से है पूरा का पूरा मेस।
तो यहाँ पे आके बच्चे खुद बना भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पर डे का लगा 200-250 बच्चों का जो खाना बनता है उसमें खुद भी बच्चे आके अपनी हेल्प कर सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। सर ऐसा ही होता है ना, हमारे टाइम पे भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही होता है सेम प्रोसीजर? हाँ, जैसे कि बच्चे आके हेल्प कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, क्लासेस भी होती है, जी 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 प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है कि लगा लो किसी कॉलेज में आपको इतना मौका नहीं मिलता कि आप इस तरह से खाना बना पाओगे। ऑलमोस्ट लगा लो 200-250 बच्चों का खाना बनता है और उसमें आप खुद भी हेल्प कर सकते हो। ये देखो यहाँ का कैफेटेरिया है, ये यहाँ पे जहाँ बच्चे सब बैठ के खाना खाते हैं। और मेरे को लगता है ये जो खाना मिलता है कॉलेज की तरफ से फ्री मिलता है ना? हाँ, हमारे टाइम पे तो फ्री था पूरा, अब भी फ्री है। तो भाई अपना फीस में ही इंक्लूड होता है सब कुछ, आपको जो भी जितने ही बच्चे यहाँ पे होते हैं सबको खाना कॉलेज की तरफ से फ्री होता है, IHMRIG की तरफ से। और आप किसी कॉलेज में देखोगे तो खाना फ्री नहीं मिलता है और उल्टा आपसे ले ही लेंगे, बट यहाँ पे भाई खाना सब कुछ फ्री मिलता है। काफ़ी सारा खाना इधर लगता है, फिर इधर भी लगता है, और यहाँ पे इतनी सारी बैठने के लिए जगह है, कुछ इस तरह का माहौल है। यहाँ पे असेंबली होती है, यहाँ पे सब कुछ चेकिंग, यहाँ ग्रूमिंग चेक होता है अपना सब, आई थिंक यहाँ पे सब ग्रूमिंग चेक होता है। यहाँ से पूरा का पूरा प्रेयर वगैरह, तो आई थिंक प्रेयर नहीं होती, सिर्फ ब्रीफिंग होती है। अब प्रेयर अभी कराते हैं, हमारे टाइम पे कोरोना था तो उस टाइम पे आई थिंक नहीं कराते थे ना, हमारे टाइम पे थोड़ा कोरोना था तो थोड़ा ज़्यादा ही वो था, गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस थी तो उतना रूल फॉलो होते थे काफ़ी ज़्यादा, बट खैर अभी होता है। अभी ऊपर चलते हैं, क्लासरूम दिखाएं, ठीक है भाई? मैं अभी आप लोगों को क्लासरूम अपनी दिखाता हूँ, जिस क्लासरूम में हमने इतना सारा टाइम अपना बिताया था, इतनी सारी मेमोरीज है जिस क्लासरूम में हमारी, तो अभी फिलहाल आपको क्लासरूम दिखाता हूँ मैं ऊपर जाके। और ये कुछ इस तरह से रास्ता है यहाँ से निकलने के लिए, देन इसके बाद में यहाँ जा सकते हो, यहाँ सब फैकल्टीज़ के रूम है, यहाँ से जाके चेक कर सकते हो, फैकल्टीज़ के रूम है, सब कुछ यहाँ मिल जाएंगे। देन इसके बाद यहाँ से बाहर जा सकते हो, तो काफ़ी अच्छा माहौल है भाई यहाँ पे। कॉलेज काफ़ी बड़ा है जिस तरह से आप देख सकते हो, खूब बड़ा कॉलेज है भाई, होटल मैनेजमेंट का इससे बड़ा कॉलेज नहीं है कोई भी। ये देखो भाई पूरे फ्लोर्स पे यहाँ पे इसमें लैब्स हैं, किचन है, उसके बाद में क्लासरूम्स इस तरह से है। तो सर ठीक है चलते हैं, अभी आई थिंक ये विजिट पे आए हुए हैं बच्चे हैं, तो चलते हैं आइए हम लोग, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना भाई, अपना चलते हैं अपने काम की तरफ, अपने क्लासरूम्स वगैरह दिखाते हैं। आई थिंक जिम तो अभी मेरे को लगता है बंद है, ओपन है जिम भी? चलो भाई आप लोग को जिम भी दिखा देते हैं। सो भाई देखो ये कॉलेज का जिम है, देखिए यहाँ पे आपको सब बेसिक इक्विपमेंट सब मिल जाएंगे जिम करने के लिए, देखो ये भी है यहाँ पे सब कुछ है। तो काफ़ी सारे जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं जिम करने के लिए वो यहाँ के जिम कर सकते हैं, काफ़ी सारे इक्विपमेंट हैं यहाँ पे, और मस्त अपना बॉडी वॉडी बनाओ और मस्त अपना पढ़ाई लिखाई करो। ये देख रहे हो भाई पूरा एकदम जिम। तो भाई ये था 204 हमारा क्लासरूम जिसमें हमारी पढ़ाई हुआ करती थी। तो खैर भाई फिलहाल देख सकते हो कुछ अंदर से इस तरह से है, अभी तो बाकी जितने भी क्लासरूम्स हैं सब बंद हैं, बिकॉज अभी बच्चों के पेपर है ना, तो सारे बच्चे अपने घर पे गए हुए हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा कम हैं अभी कॉलेज में। और जितने ही बच्चे थे अभी ऊपर सो रहे हैं कुछ, और कुछ बच्चे अपने अभी गेम वगैरह खेले थे जिनसे मैंने आप सबकी बात कराई थी। और ये भी क्लासरूम्स हैं देख सकते हो पूरे ना इस तरह से बढ़िया फुल एसी हैं, और अभी फिलहाल थोड़ा बंद है क्योंकि ये सामने वाला रूम खुला है, आई थिंक उसको अगर मैं दिखा पा सकता हूँ तो उसको दिखाऊंगा आपको। और काफ़ी अच्छा भाई एक्सपीरियंस रहा था मेरा इस कॉलेज में, और काफ़ी अच्छा फ्यूचर भी, अगर आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हो, कोई भी अगर आना चाहता है तो मेरा आपको डिस्क्रिप्शन पर नंबर मिल जाएगा, आप मेरे को कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम मोहित राठी ब्लॉग्स पे। तो और ये देखो भाई ये क्लासरूम्स हैं फुली एसी, मस्त दवा के एसी चलता है, यहाँ पर पढ़ाई वगैरह होती है। देख रहे हो ये पूरा है चेंज करके, स्टोर रिक्वायरमेंट, फ्लोर रिक्वायरमेंट, इस तरह से सारी की सारी यहाँ पर पढ़ाई होती है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भाई मेरा रहा है, जब कभी क्लास में पढ़ाई नहीं होती थी ना तो अपने यहाँ पे मस्त आके सो जाते थे हम, और काफ़ी अच्छा अच्छा टाइम अपने यहाँ पे स्पेंड किया अपने दोस्तों के साथ में, जैसे आनंद है, दृष्टि है, दीक्षा है, ललित है, और काफ़ी सारे दोस्त थे मेरे, लेकिन भाई अब तो सबसे दूर हो गए, मिलना ही नहीं हो पाता है बिल्कुल भी। और अभी कुछ क्लासरूम्स हैं जैसे इस तरह से, अभी ये बंद हैं सब ये, तो फिलहाल चलते हैं। तो खैर अभी और तो मैंने ऑलमोस्ट आपको सब कुछ दिखाई दिया है कॉलेज के बारे में, अब अपना यहाँ से निकलते हैं भाई घर की तरफ। और अभी काफ़ी ज़्यादा दोपहर भी हो रही है, ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं, और आई होप आपको ये वीडियो पूरी की पूरी अच्छी लगी होगी, मैंने आपको पूरा कॉलेज के बारे में बता दिया। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, अगर आप ग्रेटर नोएडा में विजिट करना चाहते हैं कॉलेज को, तो आप आके ग्रेटर नोएडा में विजिट कर सकते हो। कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम मोहित राठी ब्लॉग्स पे आके मुझसे पूछ सकते हो, मेरे को कॉल कर सकते हो। बट यार प्लीज़ वही लोग मेरे को कॉल करें जो इंटरेस्टेड हैं, जो एडमिशन लेना चाहते हैं, टाइम पास के लिए प्लीज़ कॉल मत करना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मैं उन्हीं बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो अच्छा कॉलेज चाहते हैं, तो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ।
तो आई होप ये आप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। पूरा का पूरा मैंने कॉलेज के बारे में आपको दिखा दिया है कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में कोई भी अगर बेस्ट कॉलेज देख रहे हो होटल मैनेजमेंट के लिए तो RIG IHM इज़ द बेस्ट कॉलेज फॉर होटल मैनेजमेंट। आप यहाँ पे आके पढ़ाई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है आपका। और इससे बड़ा, इससे अच्छा ग्रेटर नोएडा के बाहर क्या पूरे दिल्ली एनसीआर में कॉलेज नहीं है, ये है आपका RIG IHM। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।